वेल, हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में एक दूसरे को प्यार करना वाकई काफी आम बात है। किसी को भी किससे प्यार हो जाता है। बॉलीवुड में अफेयर्स होना भी काफी आम है। कोई कब किसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए ये तो सिर्फ मीडिया की वजह से ही पता चल सकता है। वहीं तलाक भी बहुत जल्दी होते हैं। बॉलीवुड एक ऐसी माया नगरी है जहां पर हर कोई एक दूसरे से प्यार करने के लिए बेसब्री से इंतजार करता है। बॉलीवुड में कोई किसी के साथ कब रिलेशनशिप में आ जाए, कब प्यार में पड़ जाए और कब शादी कर ले, ये वाकई आम बात है। और आज हम आपके सामने एक ऐसा ही किस्सा रखना चाहते हैं, एक ऐसा ही किस्सा बताएंगे आपको बॉलीवुड का, जिसको सुनने के बाद आप वाकई हैरान रह जाएंगे। ये बात है तीन बॉलीवुड स्टार्स की, जिन्होंने एक ही टाइम पर, एक ही समय पर एक ही अभिनेत्री के प्यार में गिरफ्त हो गए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, एक ही समय पर ये तीनों बॉलीवुड स्टार्स एक ही अभिनेत्री से प्यार कर बैठे। और इन बॉलीवुड स्टार्स का नाम है अजय देवगन, सनी देओल और अक्षय कुमार। ये तीनों अभिनेता एक ही अभिनेत्री से एक ही टाइम पर प्यार में पागल हो गए थे, लेकिन उस अभिनेत्री ने इन तीनों में से किसी को भी अपना हमसफर नहीं चुना। तो आज हम आपको बताएंगे उसी अभिनेत्री का नाम, जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि ये अभिनेत्री और कोई नहीं बल्कि रवीना टंडन थी। जी हाँ, ये तीनों रवीना टंडन के साथ लिंकअप में थे और तीनों ही रवीना टंडन से प्यार कर बैठे। तो पहले हम बात करेंगे सनी देओल की। आपको बता दें कि वैसे तो इन दोनों ने कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन फिल्म इम्तिहान के दौरान इन तीनों को आपस में प्यार हो गया। वैसे माना जाए तो सनी देओल को ही रवीना टंडन से प्यार हो गया था। उस फिल्म में कई ऐसे सीन्स थे जिसके बाद उनको रवीना टंडन से प्यार हो गया। लेकिन आपको बता दें कि रवीना टंडन का ये प्यार सिर्फ 2-3 दिन का ही चला था। जब रवीना टंडन को पता चला कि सनी देओल शादीशुदा है, तो उन्होंने 3-4 से 2 दिन के अंदर ही सनी देओल से ब्रेकअप कर लिया। वहीं अब बताते हैं आपको अजय देवगन के बारे में। जी हाँ, बॉलीवुड के सिंगर अजय देवगन, वो भी इनकी खूबसूरती के आगे अपना ही घुटने टेक गए। आपको बता दें कि फिल्म गैर के दौरान इन दोनों को आपस में प्यार हो गया। रवीना टंडन भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई और अजय देवगन भी उनके प्यार में गिरफ्तार हो गए। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच में एंट्री होगी काजोल की और अजय देवगन ने रवीना टंडन को धोखा दे दिया। तो उसी महीने सनी देओल के बाद रवीना टंडन का ब्रेकअप हुआ अजय देवगन के साथ। वहीं आपको बता दें रवीना टंडन और अक्षय कुमार के बारे में, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार। जी हाँ, अक्षय कुमार तो रवीना टंडन के प्यार में इतने गिरफ्तार थे कि वो शादी करने तक के लिए तैयार थे। आपको बता दें कि जब सनी देओल से रवीना टंडन का ब्रेकअप हुआ तो वो मोहरा फिल्म की भी शूटिंग कर रही थी। फिल्म के दौरान उनको अक्षय कुमार से प्यार हो गया और वो दोनों ने शादी तक के फैसले में पहुंच गए। लेकिन आपको बता दें कि उस दौरान अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी के साथ भी फिल्म में काम कर रहे थे और अक्षय कुमार ठहरे प्लेबॉय और अक्षय कुमार को शिल्पा शेट्टी से भी प्यार हो गया। जब इसकी भनक रवीना टंडन को लगी तो रवीना टंडन का दिल टूट गया और उन्होंने अक्षय कुमार से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन माने या ना माने, अक्षय कुमार रवीना टंडन से काफी प्यार करते थे। ऐसी ही बॉलीवुड की गॉसिप जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल वायरल लीक्स और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।